एचपी के 255G8 लैपटॉप के बारे में बात करेंगे, जिसमें AMD Ryzen 3 3250U प्रोसेसर देखने को मिलता है, और इस लैपटॉप में हमें SSD स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि यह लैपटॉप फास्ट परफॉर्म भी करता है। हम आपको बताएंगे इस लैपटॉप में आपको कैसी बैटरी बैकअप मिलेगी, कैसी इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी है, साथ ही में इस लैपटॉप को आप यूज़ करेंगे तो क्या क्या काम आप इस लैपटॉप में कर पाएंगे, और इस लैपटॉप में कौन कौन से पोर्ट्स हमें देखने को मिलती है, वारंटी कौन कौन सी कितने साल की हमें देखने को मिल जाती है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। एक एक चीज़ हम डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देख रहिएगा ये सारी चीज़ों को जानने के लिए। और अगर आप इस लैपटॉप को खरीदना चाहते हैं तो इस लैपटॉप को बाई करने का ओरिजिनल बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप इस लैपटॉप को ऑनलाइन ऑर्डर कर पाएंगे, ऑनलाइन ही आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हमने कुछ फोटोज़ क्लिक की हूँ आपको दिखाते हैं और लैपटॉप के बारे में सारी चीज़ें बताते जाते हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा ताकि आपको एक बेहतर जानकारी मिल पाए, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों यह Ryzen 3 वाला लैपटॉप, इस लैपटॉप में आपको प्री इंस्टॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखने को मिलता है, जिसके कि आपको अलग से पैसे नहीं लगेंगे और आप इस लैपटॉप में यूज़ कर पाएंगे फ्री में। इस लैपटॉप के हम बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। अगर आप इस लैपटॉप को फुल ब्राइटनेस पे यूज़ करेंगे तो 5 घंटे का, और मीडियम और लो ब्राइटनेस पे यूज़ करेंगे तो लगभग 6 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप हमें इस लैपटॉप में देखने को मिल जाता है। यह जो लैपटॉप है इसके डिस्प्ले में हमें काफ़ी कम बेजल्स देखने को मिलते हैं, और इस लैपटॉप की डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो 250 nits है, यानी कि इस लैपटॉप का जो डिस्प्ले है वो आउटडोर में यानी घर के बाहर अगर आप इस लैपटॉप को यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छे से इसका जो डिस्प्ले है वो दिखाई देता है, और इसके अंदर के जो भी कंटेंट है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से दिखाई देता है। ब्राइटनेस यूँ कहें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस लैपटॉप में, और लैपटॉप का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और विविड कलर्स प्रोड्यूस करता है। इस लैपटॉप के अगर हम स्पीकर्स की बात करें तो इस लैपटॉप में डुअल स्पीकर दिए गए हैं जो कि लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और हम जो है इस लैपटॉप में गाने सुनिए या फिर हम इस लैपटॉप में कोई वीडियो लेक्चर देखें या फिर हम इस लैपटॉप में कोई मूवी देखें, साउंड क्वालिटी में हमें कोई शिकायत देखने को नहीं मिली है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्पीकर्स इस लैपटॉप में यूज़ किए गए। इस लैपटॉप में हमें विंडोज़ 11 देखने को मिलता है, लेकिन इन फ्यूचर हमें इसमें अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। आप इस लैपटॉप में विंडोज़ 12 भी अगर आता है तो आप इसमें इंस्टॉल कर पाएंगे, यह पूरी तरह से सपोर्ट करेगा क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और AMD के प्रोसेसर यूँ कहे तो Ryzen 3 जो प्रोसेसर है वो Intel के प्रोसेसर से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। इस लैपटॉप के अगर हम वेबकैम के बारे में बात करें तो फुल HD वेबकैम दिया गया है, वीडियो कॉल करने में आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। साथ ही में इस लैपटॉप में वाईफाई ब्लूटूथ भी देखने को मिल जाता है, और इस लैपटॉप की जो वाईफाई की जो रेंज है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। इस लैपटॉप के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, तो लैपटॉप जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल रहने वाला है, लॉन्ग लाइफ तक आप इस लैपटॉप को यूज़ कर पाएंगे। इस लैपटॉप में हमें पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको USB पोर्ट्स, इथरनेट पोर्ट, टाइप सी पोर्ट, हेडफोन जैक और 3 USB पोर्ट, और साथ ही में एक SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है, तो पोर्ट्स में इस लैपटॉप में कहीं पे कोई कटौती नहीं की गई है। साथ ही में हमें इस लैपटॉप में कूलिंग फ़ैन भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि यह लैपटॉप कूल रहता है और गर्म नहीं होता है, और साथ ही में लैग भी नहीं करता है यानी कि हैंग नहीं करता है। साथ ही में दोस्तों आपको बता दें कि आप इस लैपटॉप में चाहे तो गेम्स भी खेल सकते हैं, जैसे कि GTA, और इस लैपटॉप में आप चाहे तो एसफॉल्ट 9 ये सारे गेम्स भी खेल सकते हैं, जो मैंने खेल के रखा है वो आपको बता रहा हूँ। साथ ही में यह जो लैपटॉप है, इस लैपटॉप में आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, इस लैपटॉप को आप बिल प्रिंटिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इस लैपटॉप को कोडिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ऐप डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। साथ ही में आप इस लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, फुल HD और 4K की वीडियोस भी काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है, फिल्मोरा ऐप में काफ़ी अच्छे से इस लैपटॉप में एडिटिंग हो जाती है, तो हर मामले में यह लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। डेफिनेटली आप इस लैपटॉप को बाई करिए। इस लैपटॉप को बाई करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वीडियो के टाइटल पर क्लिक करिए, लिंक मिल जाएगा आपको अमेज़ॉन का, उस पर क्लिक करके आप इस लैपटॉप को ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लीजिए, क्योंकि यह लैपटॉप आपको ऑनलाइन ही काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। मार्केट प्राइस 3-4 हज़ार रुपये महंगा है, ऑनलाइन ही आपको सस्ते में मिलेगा, तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन बाय करिएगा। ओरिजिनल बेस्ट बाय लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन।